समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या, और मेरा ये वाला चीज खराब है। प्रॉफिट लेती हूँ 150 से नीचे, लॉस लेती हूँ 3 गुना 4 गुना। मेरे जैसा गंवार इंसान सच में कोई दूसरा शायद नहीं होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 9:30। मैंने पहला ट्रेड ले लिया है बजाज फाइनेंस में, 10 क्वांटिटी बाय किया है। -11 चल रहा है। मैंने 80 69 80 से बाय किया है और अभी ये चल रहा है। और जबकि मैं ये सोच के ये लिया हूँ, दिखा रही हूँ मैं, अभी तक तो ऑफिस में मैं गई नहीं हूँ। ये हाई रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो मैं सोची ऊपर ही जाएगा, तब जाके मैं बाय किया हूँ। अगर लेवल सेट करूँ ना तो आपको दिखा सकती हूँ, देखना रेजिस्टेंस तोड़ा है पिछले काफ़ी दिनों का, तो ये ऊपर जाने का चांस है। देखती हूँ बाकी कितना देर टिक पाती हूँ, अभी दिख ही रहा होगा आप लोगों को। अभी प्लस 37.50 ऐसा कुछ चल रहा है, टारगेट लगा दूंगी नहीं तो। ये अभी इतना ही चल रहा है तो देखती हूँ कितना देर टारगेट ले पाती हूँ। टारगेट रखूंगी एक टू, क्योंकि जबकि ये हाई ले रहा है, काफ़ी टाइम का हाई रखा है, रेजिस्टेंस तो रहा है, तभी जाके मैं बाय किया हूँ। अभी 80+ चल रहा है। क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे ऊपर जाएगा, नहीं रेजिस्टेंस तोड़ा था। देखो हाँ, अब देखो सपोर्ट ले रहा नीचे, -69 चल रहा है। कोई ना, देखती हूँ, 150 का तो लॉस तो देखना ही पड़ेगा, वेट ही करूंगी। स्टॉप लॉस लगाई नहीं हो, टारगेट लगा के बैठी हूँ। देखती हूँ, वेट करूंगी, थोड़ा सा वेट तो करूंगी। दूसरी चार्ट कैंडल भी दिख गई मुझे, वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं। डरना नहीं है, वो इतनी बड़ी होगी कैंडल, डरना नहीं है। डर तो आप रहे हो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये सबको टाइम नहीं देने से होता नहीं है। इतना जल्दी थोड़ी कोई कैंडल ग्रीन दिखा देगा, आप ही बताओ, नहीं दिखाता है। आज मैं अभी ऑफिस में आ गई हूँ और थोड़ा लेट से ही आई हूँ, सुबह घर से काम किया था, अभी जस्ट ऑफिस में आके चार्ट ओपन किया है। अभी बज रहे 12:00, घर का थोड़ा सा काम कुम था, फिनिश करके मैं आई हूँ। घर से जस्ट ट्रेडिंग लिया था और जो लिया था वो अभी लॉस में चल रहा है। कितने का लॉस में चल रहा है मैं दिखा रही हूँ, मैं 80 से बाय किया था, अभी अच्छा खासा लॉस चल रहा है। और ऊपर से मैं यहाँ तक 500 तक मैं लॉस देख आई हूँ, यहाँ 500 तक देख के आई हूँ, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, ताई मेरा चल रहा है। अगर स्टॉप लॉस लगाती बहुत पहले ही हिट हो जाता 150 रुपये में ही, क्योंकि 150 रुपये का मैं लॉस में सोची थी, तो आज स्टॉप लॉस लगाई नहीं थी। मतलब क्या, मैं आज नहीं, काफ़ी टाइम ही मैं नहीं लगाती हूँ, भूल जाती हूँ स्टॉप लॉस लगाना, अभी तक मेरे को परफेक्टली आया नहीं है, मेरे को ये भी सीखना है। तो आज मैं 500 तक का लॉस देख लिया था, लेकिन अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, और वेट करके अभी भी मेरा लॉस, मैं कितने का लॉस में हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, 113 लॉस चल रहा है, 10 क्वांटिटी में है, और मैंने टारगेट लगाया 94.95 का। अभी देखती हूँ क्या होता है, बीच में गया था थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा था, फिर भी मैं थोड़ा लालच, बोलते नहीं लालच बुरी वाला है, वही मेरे साथ वही कंडीशन हुआ, मैं लालच कर बैठी और तब जाके मेरा, मैं निकाल नहीं पाई। तो अभी फिर से मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, 12:30 बज रहा है, 1 बजे तक मैं अभी वेट कर सकती हूँ, क्योंकि गुगु अभी तक आया नहीं है, और देखती हूँ क्या होता है। अभी तक बस ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था अभी तक, और कुछ भी मैं नहीं सोची, क्योंकि बजाज में एक बार काम करने से मेरा फंड फंस जाता, उसके बाद डीएलएफ में भी, अगर डीएलएफ या टाटा मोटर्स लो तो 50 क्वांटिटी या 40 क्वांटिटीज ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, इसीलिए मैं और कुछ की नहीं हूँ, बजाज में ही अटकी हूँ। इधर से प्रॉफिट निकलेगा, अगर कुछ निकलेगा तो ही मैं उधर को शिफ्ट करूंगी, कुछ और देखूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, यही एक चीज रह जाएगा। अगर ये 150 का और थोड़ा सा 1 बजे तक देखूंगी, ये 150 का लॉस दे रहा तो मैं निकल जाऊंगी, इससे ज्यादा मैं और नहीं देखूंगी और ना वेट कर पाऊंगी, क्योंकि गुगु आ जाने से मेरा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और मम्मी भी अभी है नहीं, मेरे अकेले से हैंडल होना पॉसिबल नहीं है, अभी खाना भी बनाना बाकी है। तो 150 अब लास्ट और देखूंगी, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या, अभी भी -34 दिखा रहा है, बहुत देरी से वेट कर रही हूँ,
कि अगर 5 रुपए का भी प्रॉफिट दे देना, मैं निकाल लूँ। अब मेरे से ना टेंशन नहीं लिया जा रहा है। एक तो मेरा ना आज मूड, दीपक जब से फोन किया तब से मेरा मूड एकदम ठीक नहीं है। मुझे ना कभी भी ऐसा कुछ सुनाई सुनती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। मैं आप लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं क्या फील कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और बहुत बुरा फील कर रही हूँ। अपने दिल से मैं बोल रही हूँ, सच मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन और मैं इससे निकलना भी चाह रही हूँ, जबकि मुझे पता है मैं प्रॉफिट में निकल सकती हूँ। लेकिन मेरे से और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना देरी में और बैठी रहूँ। बस ये मेरा प्रॉफिट में निकल जाएगा, मैं और कोई टेंशन नहीं लूंगी, मैं बैठ जाऊंगी। क्योंकि आज मेरे से एकदम एकदम मेरे से और हो नहीं रहा है। मैं अब एकदम जैसे पजल हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है। अभी दाल भी बनाना है, दाल आधा बना के मैं रख के गुगु को लेने चली गई थी। गुगु को खा लो बेटा, बस इसका थोड़ा सा और देख के मैं निकल गई। हाँ बेटा, हाँ वाह, न्यू कार, ओके, यू वांट न्यू कार, ओके, खेलो, आप खेलो। बोलो एक बार, ऊपर जा, एक बार बोलो ऊपर जा। थैंक यू, ओके। अभी भी -12 रुपए दिखा रहा, मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा। अब जैसे सच बोल रही हूँ, सहन नहीं हो रहा। जैसे लग रहा है कि अगर 10 रुपए 5 रुपए दे दे मैं निकल जाऊँ। 85 में मैंने ये करके रखा है, लॉस में बंद कर दिया हूँ। और लॉस भी देखोगे 417 रुपए का। क्यों, वो भी बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ। मैंने क्या किया पता है, गलती से जहाँ पे मैं बोली ना कि जो भी लॉस होएगा मैं ये करके मैं निकाल दूंगी, जहाँ से निकाली मैं, वहाँ से निकालने के बाद मैं सोची मार्केट जब नीचे जा रहा है तो मैं नीचे का एक बार करके देखती हूँ, 10 क्वांटिटी बाय सेल करके देखती हूँ। जब मैं सेल की उसके बाद दूसरा बार डाली फिर से 10 क्वांटिटी सेल पे, मार्केट 99.60 पे भागा। और जब मैं वेट करी थी तब उसके जाने का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब कितना इसको बोलते, ये वाला चीज़ अगर ना अच्छा हो ना तो सच में ख़राब होता है, और मेरा ये वाला चीज़ ख़राब है और सच में आगे ख़राब है। ता करके ना 417 पे अभी तो मैं ऐसे नॉर्मली गुस्से में आके निकाल दी कि जा जो होएगा होएगा, और मैं वेट भी नहीं की, निकाल दी। प्रॉफिट लेती हूँ 150 से नीचे, लॉस लेती हूँ 3 गुना 4 गुना। मतलब मेरे जैसा गंवार इंसान सच में कोई दूसरा शायद नहीं होगा, मैं ही अकेली होंगी। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। आज दिन बहुत खराब था, लॉस के लिए नहीं, थोड़ा सा अदर चीज के लिए भी थोड़ा सा दिन मूड अच्छा नहीं था। लॉस तो 500 417 ऐसा कुछ लॉस था। गुगु बहुत बदमाशी कर रहा है। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करूंगी, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। और होप सो कल भी दिन अच्छा रहे, कल एक दिन और अच्छा रहे, क्योंकि आज बहुत बुरा दिन था। तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।